नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, कभी सोचा है क्यों? आप कहेंगे कहीं पर भी सरकार गिर रही होती है बीजेपी की तो अमित शाह जोर तोड़ से सरकार बना लेते हैं और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाने लगा। सिर्फ इतने भर तक सीमित नहीं है, बीजेपी की राजनीति आप देखिए, बीजेपी की राजनीति करने का तरीका आप देखिए और लोगों को कैसे एक दूसरे से बांधना है, मुश्किल घड़ी में कैसे एक साथ खड़े होना है, लोगों को क्या मैसेज देना है, अंदर की लड़ाई को कैसे अंदर ही सॉल्व कर लेना है, अमित शाह को इसका भी सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है, कम से कम बीजेपी के लिए। हालांकि 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद यूपी में जिस तरीके से सीटें घटी, कुछ लोगों ने कहा कि योगी से उनकी लड़ाई हो गई है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन बहुत हद तक अमित शाह सारी चीजों को टैकल करने में कामयाब रहे हैं। अमित शाह के लिए एक बात कही जाती है कि वो इतने साइलेंटली काम करते हैं कि उनके दाएं हाथ को पता नहीं चलता कि बाएं हाथ क्या काम कर रहा है। ये तो सिर्फ एक मुहावरा भर हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई कि भाई आर्टिकल 370 को हटा लिया गया, 35A को हटा लिया गया, हालांकि उसको बहाल करने की बहुत मांग लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाती रही है, पीडीपी उठाती रही है, लेकिन ये बात क्यों कही जाती है अमित शाह के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि इस फैसले से 2-3 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात हुई थी बड़े बड़े नेताओं से। उस वक्त अमित शाह ने पता तक नहीं लगने दिया कि 3-4 दिन बाद वो क्या फैसला लेने वाले हैं या केंद्र की सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जा सकता है। उस वक्त अब्दुल्ला परिवार या कह लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कहते हुए बाहर निकले थे कि हमें आश्वासन मिला है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, उठा लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से ये जानकारी मैं आपको दे रही हूं। दूसरी तरफ अब जब बात होती है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस ले लेंगे, आप उमर अब्दुल्ला के बयानों को सुनी रहे होंगे, फारूक अब्दुल्ला के बयानों को, उनकी मांगों को लगातार आप सुन रहे होंगे, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली आकर मुलाकात की बड़े बड़े नेताओं से, उसको लेकर ये माना जा रहा है। लेकिन जो बात आपको शायद पता हो या शायद ना पता हो वो ये कि स्टेटहुड पर अक्सर अमित शाह ने अपना बयान स्पष्ट किया है। ऐसे में स्टेटहुड देने में जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे में ये कह लेना कि उमर अब्दुल्ला की बात अमित शाह ने मान ली, उनके दिमाग में पहले से सारी चीजें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और वो बहुत क्लियर है। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि आज इस राज्य में चुनाव खत्म होते हैं, अगले चुनाव कहां है वो उसमें लग जाते हैं, बजाय दूसरे दलों के जो दूसरे देशों में जाके पार्टियां करते हैं। ये तो बीजेपी की खासियत है। रही बात उमर अब्दुल्ला की या फारूक अब्दुल्ला की, तो देखिए इस बार जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो जम्मू से बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छी खासी सीटें मिली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आने में कामयाब भी हुई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर हमें जम्मू कश्मीर में कोई भी फैसला लागू करना है तो हमें केंद्र की सहमति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एलजी की जरूरत पड़ेगी। एलजी आप जानते ही हैं किसके अंडर है। अब्दुल्ला बहुत समझदारी से काम ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई, हालांकि किसी राज्य का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो ठीक है ये मुलाकात होती है, लेकिन कई मुद्दों पर बात हुई। क्योंकि जब दिल्ली आए उमर अब्दुल्ला तो न सिर्फ प्रधानमंत्री अमित शाह से वो मिले हैं, राजनाथ सिंह से वो मिले हैं और कई मुद्दों पर उनकी बातें हुई हैं। सबसे बड़ी बात वो फारूक अब्दुल्ला जो मुंह खोलते ही पाकिस्तान से बातचीत की बात किया करते थे, वो धमका रहे हैं अब पाकिस्तान को कि आतंकवाद नहीं चलेगा, बंद कीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो ये सब बंद कीजिए। वो उमर अब्दुल्ला जो खुद भी आर्टिकल 370 को लेकर बात किया करते थे, वो कह रहे हैं कि इस वक्त इस मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है। वो बात जानते हैं अच्छे से कि लड़ाई करना या कोई भी अनर्गल बयान देना उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर में 5 साल काम करना है। और कम से कम देखिए ये अच्छी बात है किसी भी मुख्यमंत्री की, लड़ाई वड़ाई सब एक तरफ, राजनीतिक विचारधारा सब एक तरफ, हमें काम करना है और इसलिए बना के चलनी है केंद्र से, ये अच्छी बात है। रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह को जो करना है जम्मू कश्मीर के लिए वो करेंगे, केंद्र की मोदी सरकार को जो करना है वो करेगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बदले हुए स्वर अगर इसी तरीके से 5 साल चलते रहे तो अगले 6ठे साल में वो ये ना सोचे कि पाकिस्तान से फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे। इन 5 साल में बहुत कुछ डैमेज कर लेंगे वो अपने लिए, और अच्छी बात है। पाकिस्तान से बातचीत का क्या मतलब है, जो चीज हमारी है वो हमारी ही है, बातचीत करके क्या सुलझाना, क्या बात करनी। तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बदले बदले से हैं, लेकिन अमित शाह उसी ट्रैक पर है जिस ट्रैक से वो पिछले कई साल से चलते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अमित शाह सिर्फ चाणक्य ही नहीं बल्कि इस तरीके से काम करते हैं कि बाएं हाथ को नहीं पता चलता कि दाएं ने क्या काम किया है। बहरहाल अमित शाह को लेकर
तमाम राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार तो इसी तरीके से दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो फैसले लिए जाएंगे वो लिए ही जाएंगे, किसी के कहने पर बदले नहीं जाएंगे। अमित शाह से जुड़ी इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।